मैं जितेंद्र श्याम सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं अपना टेलीविजन पर। एटू फानो अपना टेलीविजन के साथ सम्मिलित रूप से खास प्रोग्राम हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ये है सुखी परिवार सुखी जीवन। कैसे ये परिवार हमारा सुखी बन सकता है, जीवन निर्वाह हमारा अच्छा बन सकता है। और हम कहते हैं प्रोग्राम के दौरान हम जानते हैं हम लोग कई समस्याओं से गुजरते हैं, परेशानियों से गुजरते हैं, चिंताएं होती हैं, तनाव बढ़ जाता है और इसको लेकर के घर में परिवार में जो झगड़ा मतलब झगड़ा झंझट ये भी हो जाता है, लोग टेंशन में होकर के काफ़ी समस्याओं का सामना करते हैं। इसी बात को मद्देनज़र लेकर के इस मर्तबा चलिएगा एशियन फैमिली सर्विसेज की तरफ से हमारे साथ हैं विवियन थ्योरी। हम आपका स्वागत करते हैं और आपसे कहते हैं बोला कैसे हैं आप? थैंक यू जितेंद्र जी फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड और सब ऑडियंस एट होम, इट्स अ प्लेजर। हम ओरिजिनली रालेलेवू नसोरी से आया है, हमारा यहाँ पे जब हम 10 साल के था और फिर अपने परिवार के साथ आया रहा। हमारा डैड मांगा था टू गिव अस अ न्यू लाइफ अबोर्ड यहाँ पर आकर। हाँ, इट वाज अ लर्निंग कर्व, हम लोग जानते रहे कि चैलेंजेस रही माइग्रेशन से नवा कंट्री में और चैलेंजेस भी रही। तब हाँ, तभी के लिए हम एजेंट फैमिली सर्विस काम करता है। हम एक रजिस्टर्ड काउंसलर और हेल्थ प्रमोटर भी है। अच्छा। और हम लोग के सर्विसेज एजेंट फैमिली सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करता है कल्चरली लिंग्विस्टिक सपोर्ट। दैट मीन्स कि हम लोग हिंदुस्तानी में या तो हिंदी में बात कर सकता है अपन क्लाइंट्स के साथ। और हम लोग एक मेंटल हेल्थ और एडिक्शन सर्विस है। अच्छा। हमारा काम अभी क्या है कि हम ग्रुप से फैसिलिटेट करता है कम्युनिटी में और करेक्शंस में भी और इंडिविजुअल काउंसलिंग सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। तो काफ़ी भरा पूरा है, मतलब सभी जनजाति के लोगों के साथ में अन्य संस्थाओं से भी आप मतलब मिलते जुलते हैं, काम आपका होता है। और आपने कहा है काउंसलर की हैसियत से हैं, ठीक है ना? अच्छा, तो कितने साल हो गए होंगे अच्छा आपको इस फील्ड में? इस फील्ड में हो गए हैं काफ़ी साल, मेबी 7 साल, मेबी 7-8 ईयर्स लगभग इस गिर्द में है। तो इन 7-8 सालों में जब तक आप इससे जुड़ी हुई हैं एशियन फैमिली सर्विसेज से, इसमें बहुत से जाति के लोग आते हैं और जैसे ये खुद अपने आप में जैसे कि हमने कहा जो लोग चिंता से गुजर रहे हैं, टेंशन लिए हुए हैं ना, ये सभी बातों से है, सब आते होंगे, परेशानियां आपके साथ भी होती होंगी। तो इन 7 सालों में आपका अनुभव अभी तक कैसा रहा है, मतलब योर एक्सपीरियंस विद इस प्रोग्राम के साथ में? हम एजन फैमिली सर्विसेज में आया है अभी शायद 8 महीना से। उससे पहले हम मेन स्ट्रीम में काम करता रहा था सबके साथ और फिर उससे पहले आई बीन इन एडिक्शंस फील्ड फॉर उससे 6 इयर्स। ओके। हमारे कम्युनिटी के लिए हम नोटिस किया है कि काफ़ी चैलेंजेस रहे और काफ़ी इश्यूज भी आए से इन द फोर फ्रंट लास्ट ईयर से और से पहले भी, जो हम लोग एक्नॉलेज नहीं करता, हम लोग कम्युनिटी एक्नॉलेज नहीं करे, मतलब नज़रअंदाज कर देते हैं ना। हाँ, कि नहीं हुए हैं हम लोग कम्युनिटी में, बट हम लोग एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिशनर्स लोग हैं। ओके। और हम लोग एविडेंस के साथ काम करते हैं और जैसे कि ओवर द लास्ट कपल ईयर्स एविडेंस आया है कि हम लोग कम्युनिटी में, हम लोग फिजी इंडियन कम्युनिटी में काफ़ी चीज होता है। तो अच्छा। हम आपको एग्जांपल देना चाहते हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जैसे माइग्रेशन चैलेंजेस रहे, हम लोग सबको नाता है यहाँ पे न्यूजीलैंड में फॉर न्यू लाइफ, हम लोग के होप्स एंड ड्रीम्स भी रहे, ठीक, बहुत से सपने होते हैं ना लेकर के आते हैं लोग। हाँ, जी। और यहाँ पर आकर हम लोग सबको नोटिस करता है कि जो हम लोग एक्सपेक्टेशन जो रहा वो मीट नहीं हुए हैं। राइट, सही बात। और फिर काफ़ी चैलेंजेस उसमें भी रहे, अगर जो हम बच्चे के साथ आते हैं तो वह रहता है कि लड़कन सेटल हुई है कि नहीं स्कूल में, और फिर माँ बाप के लिए उनका जॉब कैसा जॉब मिलेगा। सही बात, कि फिजी में थे तो पता नहीं, वही तो नहीं मिलेगा यहाँ पर आने के बाद में, ये ना शायद जरूर है, इसमें भी बदलाव होता है। जी। और फिर जब काफ़ी चीज़ होता है जैसे कि लड़कन सेटल नहीं होते स्कूल में, जैसे कि अगर जो उसने रोटी ले गया स्कूल और कोई बच्चे देखकर उनके ऊपर हंसी लगे, हाँ, you know, उनको भी थोड़ा शर्म लगता है कि अच्छा हम काहे रोटी ले जाए, तब वो कहते हैं मम्मी डैड हमें ब्रेड लीजिए, सैंडविचेस दीजिए इंस्टेड, you know, वो एक पार्ट है। फिर उसके बाद में खाना एक चीज है, बुलिंग दूसरा चीज है, कि कपड़े देख के हंसते हंसते हैं कि लड़कन के लिए वो सोचते हैं कि कहाँ हम फिट होते हैं।
सही बात, हमारा आइडेंटिटी क्या है. हम फिजी से आते हैं, हमें जैसे कि फिजी हिंदुस्तानी और फिर फिजियन के साथ रहते हैं जी. यहाँ पर आकर कितना ढेर कल्चर्स है, और जब हम अपने आप में जैसे अपने ओन कल्चर्स में हैंग आउट नहीं कर सकते हैं तो वो डिफिकल्ट हो जाता है हमारे पेरेंट्स लोगों के लिए स्पेशली. ठीक, बिकॉज वो क्वेश्चन है कि तुम हिंदुस्तानी साथ रहो, है कि नहीं. सही बात. फिर वो एक एग्जांपल है. सेकंड एग्जांपल रहेगा जैसे कि अल्कोहल एंड ड्रग यूज. काफ़ी जन यहाँ पर आकर हैंडल नहीं कर पाते हैं स्ट्रेस, तो वो दे टेंड टू अल्कोहल एंड ड्रग्स. जो समस्याओं में है वो टेंशन को दूर करने के लिए वो सहारा लेते हैं कि कोई अल्कोहल ऐसा है, ड्रग्स है ना जी, और उसमें वो खींचे चले जाते हैं. फिर और भी परेशानियां बढ़ती हैं और फिर उस औरत या तो हस्बैंड वो देखते हैं कि इश्यूज हो लगा है घर में, फाइट्स हो लगा है, आर्ग्यूमेंट्स हो लगा है. लड़कन भी वही चीज ऑब्जर्व करते हैं. ठीक. और फिर वो जानते नहीं कि कहाँ हम जाए टू सीक हेल्प. कुछ हाथ उठाने में शर्म लगता है सबको. लास्ट ईयर हमने एक हमके AFS लॉन्च करी थी, कोरियन सुसाइड लॉन्च प्रिवेंशन, और उसमें हमने स्टैटिस्टिक्स देखा था, और उसमें हिंदुस्तानी लोग यंग इंडियन मेल्स वर द हाईएस्ट. अच्छा, तो उसमें देखा है हमके की इश्यू है, समस्या है, लेकिन शायद किसी डर से या शर्म से लेकर के वो छुपा लेते हैं जी. और अब हमके कुछ ना कुछ तो करेक्ट पड़ी उसके बारे में. वो और फिर फैमिली वायलेंस अभी लॉकडाउन में 4 रोज के लिए टोटल कॉल आउट्स वाज 585. तो ये नंबर कम नहीं है, बहुत अधिक होता है. हाँ, और इमेजिन कीजिए कितना जन सफा करीन है फैमिली वायलेंस बट अपन हाथ नहीं उठाने. बिकॉज वही चीज वरी है कि शर्म लगी सबको जान जाए कम्युनिटी में. और अगर जो हम लोग थिंक बैक अ लिटिल बिट लॉन्गर, जैसे दिसंबर में वी हैड अ मर्डर सुसाइड, फिजी के रहे कपल्स. अच्छा, और हमारे लगे इट वाज अ डिसअपॉइंटिंग बिकॉज उन लोग कहें रहा कि हम लोग कम्युनिटी जानते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट वाज हैपनिंग, बट कोई नहीं, दे डिडंट रिंग द एप्रोप्रिएट सर्विसेज. और न्यूजीलैंड में आके याद करे पड़ी कि यहाँ पे कोई कायदा कानून भी है. यहाँ पे लड़कन के राइट्स है, औरत लोगों के राइट्स है टू गेट द हेल्प. ठीक. और हमारा काम है एज अ काउंसलर टू एम्पावर हमों की कम्युनिटी, और COVID-19 के कारण ये सब जो इश्यूज है और इंटेंस हो गए हैं. हाँ, और जैसे कि अभी और बढ़ी बिकॉज जॉब लॉसेस है. आर्ग्यूमेंट्स घर में सके बढ़े, लड़कन भी अगर जो स्कूल जाए उन लोग के लंचेस भी प्रोवाइड करे पड़ी, तो काफ़ी चीज़ है. और ये जो मेंटल हेल्थ सर्विस है मौके, मेंटल हेल्थ इश्यूज है वो और बढ़ाई उसके. सही बात है. अच्छा, इन सब जितने आपने बताए हैं इन सब दौर से लोग गुजरते होंगे, तो कैसे आपसे संपर्क करके और आ सकते हैं या सिर्फ फ़ोन पे बात कर सकते हैं? और ये शायद लोगों में एक बात ये होगी जैसे कि आपने कहा भी है कि लोग डर के शर्म से छुपाना चाहते हैं कि पता नहीं हम अगर वहाँ जाते हैं काउंसलर के पास में तो बाकी लोग कहीं जान लें सुन लें, तो क्या कहेंगे? हम कहना चाहते हैं कि आपको वरी नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग जब रजिस्टर्ड बॉडी में अफिलिएटेड है, दैट मीन्स हम लोग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं सकता है कोई से बताए विदाउट योर कंसेंट. अगर जो आप कंसेंट देगा तब हम लोग सकता है आपको रिफर करे या तो फैसिलिटेट करे कोई चीज़ और उदा अनदर एजेंसी. आपके कंसेंट के बिना कुछ नहीं सके हुए, आपके इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल और प्राइवेट रही जी. तो कौन सा खास नंबर है जिससे के जरिए लोग शामिल हो सकते हैं या संपर्क कर सकते हैं? अगर जो एक को इमरजेंसी रहे, आप जानता है कि 111 न्यूजीलैंड के नेशनल नंबर है जो आप रिंग कर सकते हो वो हेल्प. और अगर जो आप बनता है फ्री कॉन्फिडेंशियल काउंसलिंग सपोर्ट, आप हम को रिंग कीजिए 0800-862-342. अच्छा, एक सवाल मैं करना चाहता हूँ. मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी होता है घर में कुछ तनाव बढ़ गया है, टेंशन हुए हैं, झगड़े पर उतर आए हैं लोग या किसी ने हाथ उठा दिया, तो पुलिस केसेस में कभी कभी पुलिस को सीधे अगर आ गए तो उस जगह पर पुलिस केस अगर हो गया है तो काउंसलर के रूप में आप लोग कैसे सहायता दे सकते हैं? हम लोग सकता है हेल्प करें, बात करें, बात करके पूछे कि कौन कौन इश्यूज है
जॉन इंस्टिगेट कर रहा है, जैसे कि जॉन स्टार्ट कर रहा है ये सब इश्यूज बिगिन विद जी, और फिर हम लोग ट्राई करेगा प्रोवाइड करेंगे कि इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट, कि याद करना कि न्यूजीलैंड में काफ़ी ढेर एजेंसीज है जॉन हेल्प कर प्रोवाइड कर सके आपके, और मोस्ट ऑफ इट्स इज़ फ्री. और एजेंट फैमिली सर्विसेज के द की थिंग इज़ कि हम लोग आपके रेजिडेंसी स्टेटस डजेंट मैटर, हम लोग आपको फ्री काउंसलिंग सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं. डजेंट मैटर कि आप वर्क वीज़ा में है कि स्टूडेंट वीज़ा पे हो, यहाँ पर सपोर्ट है. ज़रूर, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको इतनी जानकारी दी, लेकिन जाते हुए कुछ ज़रूर कहना चाहेंगे, शायद कुछ और बताना चाहेंगे. जी, हम कहना चाहते हैं कि इट्स ओके टू सीक सपोर्ट, और न्यूजीलैंड में ढेर सर्विसेज है आपको खाली ऑन आपके लगे ऑनलाइन इंटरनेट तो होगा, तो जस्ट वहाँ पर रिंग कीजिए. अगर जो आपके क्वेश्चन रहे, क्वेरीज रहे, आप हम ओके रिंग कीजिए 0800 862 342. और याद कीजिए कि बच्चे लड़कन स्पंज किस साल है, जो चीज़ देखी है वही चीज़ सीखिए. और हाँ, सो रिंग कीजिए, सपोर्ट सीख कीजिए प्लीज़. हम नहीं मानता है कि हम लोग देखिए इन सिक्स मंथ्स टाइम कितना और रिपोर्ट्स कि पीजी हिंदुस्तानी या तो हिंदुस्तानी लोग यू नो मर्डर सुसाइड कर रहे हैं, या तो यू नो आर गेटिंग शॉट बिकॉज ऑफ इश्यूज दे कुडंट यू नो सीक सपोर्ट इन. जी, तो विवियन जी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सो मच, आप प्रोग्राम में आई हैं कि इतनी अच्छी तरह से आपने लोगों को समझाया बताया है. और लोगों से कहेंगे आप दर्शकगण से कि जो नंबर अभी विवियन ने दी हुई है, आप स्कूल में नंबर होगा शायद हमारा इस प्रोग्राम के ज़रिए, आप देखें उस पर कुछ समस्याएँ ऐसी हो कॉल करें, पता लगाएं. विवियन जी थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ शामिल हुई हैं एशियन फैमिली सर्विसेज की तरफ से, और हम कह सकते हैं एटो फानू और अपना टेलीविज़न के साथ में जो प्रोग्राम है सुखी परिवार सुखी जीवन, हम ला सकेंगे तभी जब लोगों में घरों में एक ऐसा वातावरण लोग बनाएंगे जहां पर तनाव को लेकर के उसको बढ़ाएं नहीं, कम करने की कोशिश करें. और अगर ना हो सके फिर तो जो नंबर दिए गए हैं आप इस पर कॉल करें और काउंसलर से बातें करें, और फिर आपकी जो भी समस्याएं होंगी आप हमारे पास भेज सकते हैं या उन नंबर पर कॉल करके बता सकते हैं. तो हम आगामी प्रोग्राम में जब आएंगे तो आपके सवालों का जवाब लेकर के आएंगे और आपके समस्याओं का समाधान भी करा सकेंगे. सर, एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ होने के लिए. अपना टेलीविज़न पर सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं, मैं आपके साथ जितेंद्र शाह. ए तूफान हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल डेवलपमेंट की ओर से हमारा प्रोग्राम है सुखी परिवार सुखी जीवन. हम आए दिन जो टेंशन से गुजरते हैं, तनाव से भी गुजर रहे हैं परिवार में समाज में, और अभी हाल ही में आई जो COVID-19 को लेकर के कुछ परेशानियों का सामना हर किसी ने किया होगा. यही उद्देश्य हमारा है कि परिवार कैसे सुखी जीवन को लेकर के अग्रसर हो. इस मर्तबा चलिए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं श्रीमान रोहन जादूराम जी से. श्रीमान रोहन जादूराम जी, आप प्रोग्राम में आए हैं, वेलकम टू द शो. एंड प्रोग्राम के अंतर्गत जैसे कि हमने कहा है, हम लोग COVID-19 में जो लोग हैं कुछ संकट की घड़ी से गुजरते हैं, मतलब ये है इन ईजी टर्म्स आउट से कि डिफ़िकल्टीज दैट वी आर ऑल गोइंग थ्रू और पीपल मे हैव गोन थ्रू ड्यूरिंग दिस COVID-19. Now, first of all, I would like you to introduce yourself. अपनी विषय में आप बताएंगे थोड़ा सा, आप फिजी से रहे हैं या फिर you have been here in New Zealand for your, previous years, and what are your duties here, like in which organization are you in? Namaste, Nisambola Vanaka Jitin. Thank you for having me. Thank you. I'm born in New Zealand, but I spent a big part of my early childhood in Lambasa, Fiji. Okay. And I've completed all my schooling and university qualifications here. I currently work at Auckland Emergency Management as the Senior Resilience Advisor. Mm-hmm. Prior to that, I spent 15 years at the Human Rights Commission. Acha. And as you said, you've been to Lambasa. You were born here, but you've been to Lambasa. You stayed there for some time? Yeah, so my early childhood from 1 week old to age of six. Okay. So, you know, a typical Fijian Indian setup with extended family. Mm-hmm. My family were a very active pioneering business family. And also my father at the time when I was there was the mayor.
We, you know, I grew up in an environment that felt safe and secure, and then we came back in the 1977 after the Queen had visited Lombasa. I remember that very vividly as a young child. तो दर्शकगण आप जरूर समझ में आ गया होगा कुछ फिजी में लंबासा में पॉल जादूराम जी का नाम और जादूराम जो बिल्डिंग है वो भी काफ़ी मशहूर रहा है लोगों को मालूम है पता है तो उसी परिवार से रोहन जादूराम जी हम समझते आप हैं सारा जीवन आपका योर लाइफ एंड स्पेंट ही आना काफ़ी वर्षों से आप यहाँ पर हैं कुछ अब बताएं कहाँ से आप यहाँ पर रहें कौन से ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े हैं और आपका काम क्या है I completed my master's in political science before joining the Human Rights Commission for 15 years, and now I'm at the Auckland Council Emergency Management Department, where I have been for the last 4 years. फिर उसके बाद अभी जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप हैं, इसमें क्या करते हैं? I'm the Senior Resilience Advisor at Auckland Emergency Management. This involves responding to emergencies like what we are experiencing now, and it's about a coordinating with a number of agencies to ensure that our communities are safe and they are supporting each other. कौन-कौन से roles ऐसे रहे हैं? What type of roles basically you have been dealing with so far? Maybe after COVID-19. Yeah, we activated our emergency coordination centre at the end of March. Right. And that has seen our welfare and logistics functions support many households in Auckland with essential household items, including food parcels. We've seen a tremendous demand through people who've struggled through this pandemic, and we've helped over 20,000 households providing the essential items that they require. कैसे आप लोगों ने इसको मतलब जानकारी रखी है कि कौन से ऐसे लोग हैं people who are really affected? How do you come to know about them? Like कि in in ये group में जो है people हैं इनको कुछ सामानों की ज़रूरत है they are needy. It's a very good question. To be honest, we have heard from people we haven't heard from before. Usually we hear from people who know the system, who know how to access the council, but through this emergency response we're hearing from communities we often don't hear from, which actually says a lot. And these are communities and people who experience a lot of shame in asking for help. So on one hand, we are pleased that people have found us and we've been in a position to help. And they range from people who lost their jobs basically overnight to people who've had to self-isolate due to either being COVID positive or have underlying health conditions and they couldn't leave their home. And also our wonderful health workers who have been on the front line, particularly our nurses from Fijian backgrounds. We've heard from a whole range of people from the community. So it's not the food bank. So it's our 0800 number is still operating for those who still need support with food parcels and essential household items. We are also trying to support non-government organisations, including food banks, to ensure that they have the supply for them to support the communities that they've been reaching out to throughout this pandemic. तो रोनल्ड जी कोई ऐसा नंबर होगा या कोई कॉन्टैक्ट आप देना चाहेंगे people want to contact you ना for regarding जैसे कि आपने कहा अगर in need में है अभी. That's right. So our 0800 number is 0800 222 2296. If you require language assistance, we also are subscribers to Easy Speak, and we can provide the language support if required. रोहन जी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए और काफ़ी बारीकी जानकारी आपके तरफ से आई है लोगों के लिए लेकिन कुछ और विषय पर कुछ ज़रूर कहना चाहेंगे जाते जाते प्रोग्राम में
from your side, some more information, any information? Yeah, thank you. I think it's really important for people to learn from this experience. And I think if you're prepared before the next emergency hits, you'll be in a better position to support your family. It's important to have a household plan, to think about having a conversation with everyone in your household about the things that you need, just in case a pandemic or another type of disaster comes our way. And it's also important to have a contact list of people who can help you if you are stuck at home. Who are the people that you can rely on? And lastly, it's important to know who the authorities are. It's important to get the right information, and you're getting it from the authorities that have the information that can help you. रोहन जादूराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोग्राम में आप आए, हमारे साथ हुए, इतनी जानकारी दी हैं और कई सर्विसेज सेवाएं जो हैं लोग सुन रहे हैं, मतलब देख रहे हैं, दर्शकगण हमारे हैं, तो हमारे साथ आप जुड़िएगा। सुखी परिवार सुखी जीवन ये प्रोग्राम है और इसमें आकर के आप भाग ले सकते हैं और आपके पास कुछ सवालात होंगे तो हम तक आप ज़रूर पहुँचाइएगा, फिर हम आपकी मदद कर सकेंगे इसी प्रोग्राम के ज़रिए। नमस्कार, मैं जितेंद्र श्याम अपना टेलीविजन पर सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। एटू फानो और अपना टेलीविजन के साथ में ये खास प्रोग्राम हम आप तक ला रहे हैं, सुखी परिवार सुखी जीवन। लेकिन ये सुखी परिवार और ये सुखी जीवन हो कैसे? आए दिन हम कई संकटों के दौर से गुजरते हैं, हमारे साथ कई परेशानियाँ भी आ जाती हैं और जिसे हम चिंता के साथ भी टेंशन ले लेते हैं, कहते हैं चिंता चिता समान। तो इस पर हम चर्चा करेंगे, बातें करेंगे और आपको जानकारी भी देंगे कि अगर आप भी कुछ ऐसे दौर से गुजर रहे हैं चिंता से, कैसे आप छुटकारा पाएं, क्या कर सकते हैं। कुछ संस्थाओं से हम बातें कर रहे हैं, लोग हमारे साथ शामिल हैं इसी प्रोग्राम में। तो आइएगा, हमारे साथ शामिल हो रही हैं शेरिन प्रसाद जी। और शेरिन प्रसाद, आपका स्वागत हम करना चाहेंगे। थैंक यू। पहले तो हम जानना चाहेंगे आपके विषय में, बताएंगे आप कहाँ से हैं। फिजी से तो ज़रूर होंगी, लेकिन काफ़ी सालों से आप शायद न्यूजीलैंड में हैं। हम फिजी से हैं, लोटोका शुगर सिटी से। हम क्वालिफाइड काउंसलर है और काम करता है एशियन फैमिली सर्विसेज के साउथ एशियन टीम आशा में। हमारे पास बैचलर्स ऑफ काउंसलिंग है और ग्रेजुएट डिप्लोमा इन आर्ट्स, मेजरिंग इन साइकोलॉजी। हम लास्ट ईयर फाइनल ईयर स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी ऑफ ओकलैंड से, अपन मास्टर्स कंप्लीट करता है। और आपने कहा एशियन फैमिली सर्विसेज से जुड़ी हुई हैं, एशियन फैमिलीज अगर आते हैं तो बताएंगे थोड़ा इसमें कौन कौन से जो जाति के लोग या रेसेस के लोग जो हैं ये सब सम्मिलित होते हैं? जी, तो हम के एशियन फैमिली सर्विसेज में डिफरेंट एशियन सब कल्चर्स काम कर रहे हैं और हम सपोर्ट करता है एशियन कम्युनिटीज कमिंग फ्रॉम ऑफ कोर्स साउथ एशियन बैकग्राउंड, चाइनीज, कोरियन, थाई, वियतनामीज और जैपनीज क्वालिफाइड काउंसलर्स भी है हम के एशियन फैमिली सर्विसेज में, हम के एशियन कम्युनिटी में मदद करे के लिए। और जो हम के साउथ एशियन आम है उसके नाम है आशा और उसके प्रैक्टिस लीडर है हम। अच्छा शैलिन जी, आप एक प्रैक्टिस लीडर की हैसियत से इस संस्था में जुड़ी हुई हैं, कितने साल हो गए हैं अब आपको? तो हम प्रॉब्लम गैम्बलिंग फाउंडेशन में स्टार्ट करा है 2012 से। अच्छा, 2012 से, इतने साल हो गए। एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है आपका, हम कह सकते हैं काफ़ी, मतलब हम कह चैलेंजिंग जॉब है ये। कैसा महसूस करती हैं इस बीच इतने सालों से इसमें हैं और कुछ परेशानियों से भी गुजरे होंगे और साथ ही साथ में जैसे कि लोगों से मिलना, उनकी शिकायतों को लेकर के उनको सुलझाना, ये सब कैसे संभव हो जाता है? जी, ये सब हम लोग के जो साउथ एशियन कम्युनिटी में है अभी भी, बिकॉज काउंसलिंग जैसे कॉन्सेप्ट क्वाइट नॉर्मलाइज नहीं भी है हम लोग के या न्यूजीलैंड साउथ एशियंस के बीच में। अच्छा। फिजी में काउंसलिंग जैसे कुछ है नहीं, तो यहाँ पर काउंसलिंग जैसन कॉन्सेप्ट के बारे में बात करो अभी भी कुछ हेजिटेशंस है। अच्छा। अभी भी हम लोग के साउथ एशियन कम्युनिटी थोड़ा हेजिटेट हुए है आई के काउंसलिंग में,
बिकॉज शायद उन लोग सोचे है कि अगर उन लोग हम लोग से कुछ बताई कुछ प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल बताई तो शायद हम लोग जाए के कोई और से बताए दे जिसके उन लोग जाने हैं ठीक और लोग अपने आप को फिर क्या है कि थोड़ी अनसिक्योर फील करते हैं ना हाँ. कि लोग क्या कहेंगे हम लोग के बारे में ना अगर हम वहाँ जाते हैं तो क्या बताएंगे आप लोगों को मतलब बेझिझक वो आ सकते हैं ना मिल सकते हैं जी. या कॉल भी करके मतलब कोई समस्या हो उनके हम जानते हैं जैसे कि हमने कहा शुरू में कि आए दिन हम लोग टेंशन से गुजरते हैं जिसे कहते हैं तनाव और तनाव और एक बात है चिंता जी. दोनों जो घेरे लेती हैं तो काफ़ी समस्याएं होती हैं अब फिर उसके बाद जो अभी COVID-19 आया है इसको लेकर के भी लोगों में तनाव बढ़ा होगा कुछ आपको ज़रूर और मामले सामने आए होंगे इसको लेकर जी. तो पहला चीज़ तो हम अंतर बताओ ऑडियंस के कि हर कोई काउंसलर एक हेल्थ प्रोफेशनल है और अंडर अ प्रोफेशनल बॉडी है जिसके ई मतलब है अगर कोई आई हम के अपन कंसर्न्स बताए वरी बताए देन एज अ हेल्थ प्रोफेशनल हम के उस सब इंफॉर्मेशन प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल रखे के पड़ी ठीक सही बात है हाँ. और एक चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट है जो ना मनता है डिस्कस करे इस कभी कभी पीपल लोगन सोचे अगर हम काउंसलिंग में आएगा तो हम पीपल लोगन सोचे कि हम क्रेजी है या हम पगला है जो करेक्ट नहीं है जो ट्रू नहीं है हम लोग जो काउंसलिंग है वो एक टॉकिंग थेरेपी है okay. और ब्रॉडली स्पीकिंग काउंसलिंग के फोकस है कैसे हम लोग इमोशनल डिस्ट्रेस के कमती करें कोई पर्सन जब आए हैं हम लोग कैसे बात करके कॉन्फिडेंशियल काम एनवायरनमेंट में कैसे इमोशनल डिस्ट्रेस के एलिविएट करें अच्छा जी. अभी तक इस सिलसिले में कितनी सफलता आपको मिल जाती है कितनी बार शायद एक ही टॉपिक के साथ में या एक ही परिवार से आपको समझाना पड़ता है जूझना पड़ता है काफ़ी समय लग जाता होगा इसको लेकर जी हाँ तो इट डिपेंड्स कि लोग कितना कंफर्टेबल फील करते हैं काउंसलिंग कॉन्सेप्ट में जो जितने लोग हम लोग के जो ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं इट डजंट रिफ्लेक्ट कि उतना प्रॉब्लम है कम्युनिटी में उससे ज़्यादा प्रॉब्लम है बट बिकॉज पीपल लोगों जाने नहीं ये काउंसलिंग कौन सी है मे बी शायद उन लोग जाने नहीं कहाँ पर सपोर्ट रीच आउट करो इसीलिए कम जना हुए हैं काउंसलिंग सपोर्ट के लिए अच्छा तो मतलब अब यह कि प्रोग्राम जो हम लाए हुए हैं तो उसको देखते हुए लोगों के पास एक मौका मिलेगा कि ऐसी कुछ समस्याएं अगर हो ना आप चिंता से जा रहे हैं तनाव से हैं तो ज़रूर है कि आपसे संपर्क कर सके आप एक शायद नंबर अभी दे देना चाहेंगे कुछ ताकि लोगों को ये पता लगे और आप जो COVID-19 के बारे में भी डिस्कस करा रहा हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन वैसे डील करे है गैम्बलिंग एडिक्शन से बट ई COVID-19 टाइम के लेके पीरियड के लेके हम लोग समझ सकता है कि कम्युनिटी में अ लॉट ऑफ डिस्ट्रेस है एनजाइटी है इतना ढेर जन वरीड है कौन सी होई ढेर जन के काम छूट गए हैं फाइनेंशियल वरीज है तो उसके लिए हम लोग अपन हेल्पलाइन सर्विस जोन है हम लोग के हेल्पलाइन नंबर है 0800-862-342 वो हम लोग ओपन कराए फॉर फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल काउंसलिंग के लिए जी हाँ हाँ और अगर कोई मांगे फीजी हिंदी में बात करे या हिंदी में बात करे देन उन लोग सके 0800-862-342 कॉल करके नंबर 6 प्रेस करे और वो कोई फीजी इंडियन काउंसलर या इंडियन काउंसलर के पास जाए ज़रूर सही बात है और फिर बात ये भी है शायद जो लोग हम लोग जैसे फीजी से आते हैं बाहर देश से यहाँ पर आने के बाद में कई चैलेंजेस से गुजरते होंगे इसको लेकर के भी काफ़ी तब्दीलियाँ होती हैं और शायद इससे भी लोगों में तनाव होता है चिंताएँ बढ़ती हैं हाँ डेफिनेटली तो हम लोग जब फीजी से आता है हम लोग के पास गोल्स रहे हुए हैं कि हम लोग मनता यहाँ पर नया लाइफ शुरू करें हम लोग मनता यहाँ पर यू नो नया जॉब स्टार्ट करें एंड कभी कभी जब हम वो सब हम लोग के गोल्स रहे हैं फैंटसीज रहे बट जब यह आता है रियलिटी कभी कभी कुछ और रहे हुए हैं कभी कभी हम लोग के क्वालिफिकेशन जो फीजी में है यहाँ पर रिकॉग्नाइज नहीं हुए तो हम लोग के जो पोजिशन कभी कभी जो पोजिशन रहा फीजी में सेम पोजिशन नहीं आए यहाँ पर सेम पोजिशन नहीं मिले तो ऑल दैट अ पार्ट ऑफ माइग्रेशन चैलेंज और अनदर थिंग इज कि इवन दो हम लोग फीजी में करिकुलम पढ़ता है इंग्लिश में यहाँ पर आए के प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट रहे वे प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट रहे कभी कभी हम लोग अकेले आता है फीजी से जो तो हम लोग के सेंस ऑफ कम्युनिटी है फीजी में फैमिली के छोड़ के आता है तो अ लॉट ऑफ लोनलीनेस सेल्फ आइसोलेशन इश्यूज रहे हुए हैं
काफी ऐसी समस्याएं जो है सब जुड़ते हैं ना एक एक कड़ी में होकर के. एग्जैक्टली कोई चीज ऐसे आइसोलेशन में नहीं होए, एवरीथिंग कनेक्टेड रहे हुए है. और न्यूजीलैंड में भी एडजस्ट करो, नवा लाइफस्टाइल है, नवा वे ऑफ लिविंग, नवा कल्चर में इट्स डिफिकल्ट है, चैलेंजिंग है. सही बात है. तो अभी तक अगर देखें काफ़ी लोग, मतलब कोविड 19 से पहले कम आपने कहा लोग जो है आते रहे होंगे अपनी शिकायतें, कोविड 19 के बाद में कुछ लोगों का आना शुरू हुआ है अभी तक, वैसे लोग आते हैं अपने तनाव या कुछ परेशानियों को लेकर के? जी लोग आते हैं, लोग आते हैं, आवे हैं उन्होंने कोविड 19 के एंजाइटी के लेके. लेकिन ई प्रोग्राम से हम लोग मानता है अगर कोई भी तरह के हेजिटेशन है काउंसलिंग में आए के, हम लोग मानता है वो चीज़ यहाँ पर करेक्ट करे कि काउंसलिंग के मतलब नहीं है कि तुम पगला है या तुम क्रेजी है या काउंसलिंग आओ, ये मतलब नहीं है कि हम लोग इधर के बाद कोई और से बता देगा. ये बात कॉन्फिडेंशियल जैसे कि आपने कहा है और इसी में रहें. तो बहुत कुछ जानकारी भी आपने प्रोग्राम में ये दी हुई हैं. और शेरिन जी कुछ और बताना चाहेंगी, मतलब लोगों के लिए कुछ जानकारी और देना चाहेंगी से जुड़े हुए? अच्छा, हम खाली मंत्र बताओ है कि अगर आप कोई भी रकम से परेशान है, डिस्ट्रेस्ड है, तो प्लीज़ सपोर्ट है आपके लिए. आपके ये सब चीज़ बॉटल अप नहीं करेंगे है, आप सको एक क्वालिफाइड काउंसलर से बात करो. इट्स ओके टू आस्क फॉर सपोर्ट. और अगर आप मनता है टू गेट इन टच हमों के सर्विसेज से, तो प्लीज़ 0800-862-342 सको कॉल करो हमों से बात करे के लिए. सब टाइम उजोन कॉल है, एवरी टाइम इज आंसर्ड बाय अ क्वालिफाइड काउंसलर. तो कोई भी इंफॉर्मेशन मांगना, यू कैन ऑल्सो कॉल जस्ट टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन. अगर एंगेज नहीं मनता करे तो बस कुछ मनता पूछे या कुछ मनता क्लेरिफाई करे, तो सको कॉल करो 0800 नंबर. और सही एक बात और भी है कि लोग शायद जैसे मतलब अभी हमारे भारतीय समाज हैं, तो वो शायद किसी को चाहे कि कोई भारतीय काउंसलर मिले उसके साथ हम डिस्कस करें. हाँ. या कोई अन्य जाति का है तो वो अपने तरीके से, तो ऐसा भी हो सकता है ना? हाँ हाँ, न्यूजीलैंड में एवरीवन हैज द राइट टू चूज देयर काउंसलर्स. अगर आप सोचता है कोई काउंसलर अगर मिला है कोई भी रीजन के लिए, अगर आप सोचता है कि अच्छा हम कंफर्टेबल नहीं फील करता है काउंसलर के साथ, तो आपके पास ऑप्शन है चूज करे के कोई और काउंसलर के लिए. जी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं शैलिन जी, हमारे साथ आप शामिल हुई हैं, काफ़ी कुछ जानकारी दी हैं. आगामी प्रोग्राम में जैसे मौका रहा, जैसे कि भी आपने अपना जो पता दिया है, हम चाहेंगे एक बार फिर से वो नंबर दे दें, पता दे दें. और लोगों से हम कहना चाहेंगे, दर्शकों से, कि आपके पास कोई सवाल ऐसा होगा तो उन सवालों को आप इस नंबर पर ज़रूर कॉल करके दें, और आगामी प्रोग्राम में हम आपके जो सवाल होंगे उसका जवाब देते हुए आपकी समस्याओं का समाधान कराने में मतलब मदद कर सकेंगे. जी अच्छा, तो आप लोगों प्लीज़ कॉल करो 0800-862-342. अगर हिंदी या फीजी हिंदी में मंता बात करें तो प्रेस 6. थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं शैलिन जी, और आप हमारे साथ शामिल हुई हैं. एशियन फैमिली सर्विसेज की तरफ से शैलिन जी हमारे साथ आप शामिल हुई प्रोग्राम में, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं. बहुत ही सही जानकारी आपने दी है, और इन सब बातों को अगर ध्यान में रखेंगे तो हम अपने परिवार जो है उसको सुखी बना सकते हैं, और होगा ये सुखी परिवार सुखी जीवन. शैलिन जी एक बार फिर से आपको धन्यवाद, नमस्कार. थैंक यू. Yeah.